Jordy? इजी रिलैक्स, छोड़ो वीर जी, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल टाइट नहीं करना, इजी छोड़ने। वेलकम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा एक्टिव प्लस से। आज हमारे पास में दो पेशेंट हैं जो कि बीपीओ एम्प्लॉयज़ हैं और ये तकरीबन 15-16 साल से काम कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बीपीओ एम्प्लॉयज़ ही नहीं, जो भी डेस्क जॉब करते हैं तो उनके पोस्चर में ओवर ए पीरियड क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हमारे साथ में मनमोहन सिंह जी हैं, आप अगर साइड से पोज लेंगे इसका, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी उठा हुआ सा हंच सा नज़र आ रहा है, बट इसको मैं हंच नहीं बोलूँगा, ये मसल वेस्टिंग नज़र आ रही है। हंच में ये टाइटनेस होके और ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, ये प्योरली केस है कि ये मसल वेस्टिंग हो गई है। इनकी गर्दन आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो ये इसी वजह से शोल्डर भी आगे जा चुके हैं और ये काफ़ी फ्रेजाइल से, काफ़ी वीक से भी फील हो रहे हैं। और जैसे ही मैं लोअर बैक की तरफ जाता हूँ तो ये पूरा का पूरा लोअर बैक है ये स्ट्रेट हो चुकी है। इनके सारे कर्वेचर्स, जो स्पाइन के जो प्राइमरी कर्वेचर्स होते हैं, गर्दन के पीछे गड्ढा, कमर के नीचे गड्ढा, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं या ऑल्टर हो चुके हैं। अब इनके साथ में हमें और ये एक तरफ बेंड भी कर रहे हैं लेफ्ट साइड, ट्राई करेंगे, ब्रीद आउट, यस यस यस, ब्रीद आउट, छोड़िए। सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टुवर्ड्स द फ्यूजन। इनकी स्पाइन हल्की सी रोटेट हुई है लंबर से साइड टर्न। मैं चाहता तो इनको बहुत ज्यादा पहले पता नहीं था ना आपका, रिलैक्स, बट कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। शोल्डर पीछे ले जाओ, घबराओ मत, रिलैक्स। तो हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं कि जॉइंट्स फ्यूज होने लगे हैं। अब गर्दन के पास आएंगे, इजी इजी, रिलैक्स, छोड़ो वीर जी, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल टाइट नहीं करना, इजी छोड़ने। मुझे तो लग रहा है कि जल्दी जल्दी से ये 3-4 हफ्ते बीते हैं और मैं इनको बेटर कर सकूं। नहीं, पहले से बहुत हल्की हो गई, अभी बॉडी मेरी पैक जो है पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ा सा बहुत फर्क है पहले से है, बाकी तो डे बाय डे पता लग गया जैसे भी। थैंक यू। तो ठीक है व्यूअर्स,